है। जैसे हम जब अष्टमी के दिन माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली को भी यही हम अर्पित करते हैं। भगवा की परंपरा पर, और अब तो ममता देवी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जवान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं, बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आखिर इसी बंगाल की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल की धरती से एक नारा दिया था और वह नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण भारत के संविधान में धारा 370 जोड़ने की कुत्सित चेष्टा हुई थी, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी, तो बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का काम क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर के अंदर व्यवस्था बना दी है कि अगर 24 परगना क्षेत्र के नौजवान भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेंगे तो उनको वहां पर इसकी पूरी स्वतंत्रता होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, ये लड़ाई को लड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। पाकिस्तान भारत के अंदर घुस करके पहले आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन आज जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, आतंकी कैंपों को नष्ट करते हैं, तो पाकिस्तान की भी झिग्गी बन जाती है। पाकिस्तान भी आज वहां पर अब स्वयं बचाव की मुद्रा में खड़ा होता है और यह कार्य करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। जब दोनों सरकारें एक होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, तो डबल इंजन का काम करती है। डबल इंजन, ये डबल इंजन केंद्र में मोदी जी और बंगाल में भी बीजेपी, ये जब दोनों एक साथ चलेंगे तो बंगाल के अंदर विकास चलेगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगा, माताओं और बहनों को भी सम्मान मिलेगा, मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, जन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, गरीबों को राशन मिलेगा, मछुआरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक सम्मान निधि देने का कार्य होगा और सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलकर के उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का कार्य होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी आप सबसे कहने के लिए आई है, ये ममता दीदी नहीं करेगी। लोक कल्याण में, जन कल्याण में, विकास में उनकी रुचि नहीं है, वो तो अब भाई भतीजेवाद में पड़ गई है और भाई भतीजेवाद के कारण अब ममता दीदी का विकास में कोई रुचि भी नहीं रह गई है। अराजकता का एक नया तांडव पैदा करना चाहती है,
चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी बंगाल के अंदर, लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया था। लेकिन आज मैं आपसे इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर के कार्य करेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री विकास कामिला को अपना प्रत्याशी बना करके इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके बीच में उतारा है। श्री विकास माहौल देखिए, मीडिया जो